तो दोस्तों यहाँ पे Realme UI के लिए Realme 5 एंड Realme 5S का अर्ली एक्सेस आ चुका है। तो यहाँ पे आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हो, और अप्लाई करने के साथ साथ आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएगा। तो अगर आपके पास A.28 वाला लास्ट वर्ज़न है, तभी आप अपडेट कर पाओगे Realme 5 एंड Realme 5S के लिए। तो आपको क्या करना है यहाँ पर देख लो, और देखने के बाद आपको मोबाइल में 60% चार्ज रहना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। और जो अपडेट आएगा, उस अपडेट का साइज होगा 2.46 GB। तो यहाँ पे अगर आप ट्रायल वर्सन आ गया है, तो मैं जो दिखा रहा हूँ ऐसे करो तो आपको अपडेट यहाँ पे मिल जाएगा। ना देख लो, ये वीडियो सेटिंग्स में जाना है पहले, उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना है, फिर टाल वर्सन पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो सेटिंग्स में जाइए, सॉफ्टवेयर अपडेट में जाइए, वहाँ पे ऊपर में जो सेटिंग्स मिलेगा वहाँ पे जाइए, वहाँ पे टाल वर्सन बोल का ऑप्शन है, यहाँ पे मिलेगा, और टाल वर्सन प्रोग्राम बोल के यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है आपका, और ये एक्सेप्ट करना है, फिर आप सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, और संग संग आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ फर्स्ट बैच में कुछ कम यूज़र को ही मिलेगा, उसके बाद जब नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा तब यहाँ पे ज़्यादा यूज़र के लिए अवेलेबल होगा, क्योंकि फर्स्ट बैच में कम यूज़र को मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा बग्स रहता है। ये सारे चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, बहुत सारा बग्स रहता है पहले ट्रायल वर्सन में। तो यहाँ पे ध्यान रख के आपको अप्लाई करना, और अप्लाई करने के साथ साथ आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों यही था रियलमी 5S का रियलमी UI वाला अपडेट का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों आज के वीडियो इतने, बाय।